टॉप 5 रीजन टू वाई बजाज पल्सर RS200 OBD2 मॉडल और 2 रीजन टू नॉट वाई RS200 2024। आपको ये बाइक लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूँ इसमें। कंपनी को क्या क्या अपडेट देने चाहिए, माइलेज, टॉप स्पीड, प्राइस, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस बाइक को लेने का पहला रीजन है इसका लुक और बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि काफी दिखने में अच्छा है। ऊपर में विंडशील्ड आपको मिल जाता है, साइड में आपको फेयरिंग के साथ में मिरर आपको मिलते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी। इसमें आपको LED वाले विंकर्स मिलते हैं, लेकिन हैजार्ड आपको नहीं मिलता है। आई शेप के आईब्रो टाइप के LED DRL मिलते हैं। डुअल हेलोजन प्रोजेक्टर आपको मिलता है, लेकिन कंपनी अगर इसमें LED वाला प्रोजेक्टर दे दे तो भाई इस बाइक में 4 चांद लग जाएंगे। और देखने में और विजिबिलिटी के मामले में ये बाइक सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है। रोड प्रेजेंस भी इसकी सबसे ज़्यादा बेहतर है। मैं इसकी बुराई बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो 220F की तरह है। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क आपको मिलते हैं, लेकिन अगर कंपनी इसमें USD फॉर्क दे दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे का मडगार्ड प्लास्टिक का, इसमें डुअल चैनल EBS मिलता है, 280mm की डिस्क मिलती है, वाइब्रे के कैलिबर मिल जाते हैं, तो सेफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी 180/17 का ट्यूबलेस टायर है, 17 इंच का एलॉय दिया है, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया, जिसके दोनों साइड में पल्सर के 3D में एम्बलम दिए गए हैं। काफ़ी चौड़ा सा टैंक है जो कि प्लास्टिक बॉडी का है। E20 का स्टिकर दिया गया है। बाकी आगे वाले हिस्से में आपको टैंक पैड मिल जाता है रबर की ग्रिपिंग के साथ, और नीचे में आपको मिल जाता है पेरीमीटर फ्रेम वाला चेसी। बाकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक है। नीचे में 200 का स्टिकर दिया गया है। अगर इसमें कंपनी और भी कलर ऑप्शन दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको लेने का दूसरा रीज़न है, इसमें आपको क्लिप ऑन वार स्पोर्टी हैंडल वार मिलती है, जो कि R15 से बेटर है, तो झुकना आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है R15 की तरह इसमें। लेकिन सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है, फुल डिजिटल होता तो काफ़ी अच्छा रहता। साइड में RPM मीटर, स्पीडोमीटर और इंडिकेशन की वार्निंग दी गई। इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, और रेंज वगैरह देखने को मिल जाती है, ओडोमीटर ट्रिम मीटर मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, ना ही आपको स्लीपर क्लच मिलता है, जो कि आज की डेट के हिसाब से इसमें कंपनी को देना ही चाहिए। और टॉप स्पीड आपको 150 की मिल जाती है, जो कि इसका तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बाइक को खरीदने का। यहाँ पर आपको कोई भी स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं मिलता है, पासिंग अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न का बटन है। लेकिन आज की जरूरत को देखते हुए इसमें हैजार्ड का स्विच भी कंपनी को कम से कम देना ही चाहिए। अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूं तो भाई यहां पर RS200 के स्टिकर दिए गए हैं डुअल टोन कलर में, लेकिन यहां पर कोई भी एक्सटर्नल ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता है। यही चीज़ आपको इंटरनल ग्रैब हैंडल के तौर पर यूज करने को मिलेगी। सीट कंफर्ट यहां पर आपको थोड़ा सा मीडियम मिलता है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना हार्ड है। 800mm के आसपास सीट हाइट आपको मिल जाती है। बाकी पीछे की जो टेल लाइट है वो लुक्स के हिसाब से थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। अगर इसमें अपडेट आता तो काफ़ी अच्छी रहती, थोड़ी सी सिलिक और पतली वाली LED वाली टेल लाइट का यहाँ पर अपडेट कंपनी को देना चाहिए। बाकी पीछे में चलते हैं तो 230mm की डायमीटर की डिस्क मिलती है, ABS मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप, जो कि इस बाइक को खरीदने पर आपको मजबूर कर सकता है। बाकी यहाँ पर आपको 130/70/17 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 17 इंच का अलॉय दिया गया है। बाकी जो एग्जॉस्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी साउंड फील कराता है। इस बाइक को खरीदने का चौथा सबसे तगड़ा रीजन है इसका पावरफुल इंजन, और इसमें 157mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। DTSI ट्रिपल स्पार्क वाला यहाँ पर आपको पावरफुल इंजन मिलता है, जिसने अभी तक सभी बाइक की नाक में दम कर रखा है। फुटपैक्स थोड़े से पीछे मिल जाते हैं। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड वाला सिस्टम मिलता है, तो इंजन ओवरहीट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें आपको 199cc का लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve ट्रिपल स्पार्क DTSI FI वाला इंजन दिया है, जो 24.5 PS की मैक्स पावर देता है और 18.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है। तो पावर और जो टॉर्क है वो इसमें काफी अच्छा मिल जाता है। 166 किलोग्राम की ये बाइक है, और इसका जो पावर टू वेट रेशियो वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पर आपको जाली वाला साड़ी गार्ड मिल जाता है, ओपन चेन सेट कवर मिलता है, बॉक्स वाला रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म है, यहाँ पर चेन एडजस्टर भी दिया गया है, एडजस्टेबल आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं। बाकी पांचवा रीजन है इस बाइक को खरीदने का, वो है भाई इसमें आपको 6-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, लेकिन इसमें कंपनी को स्लीपर क्लच देना चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल तो कम से कम इसमें बनता ही बनता है भाई, आज की डिमांड को देखते हुए। सेंटर स्टैंड नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन गोडअप सेंसर मिल जाता है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो RS200 डुअल चैनल ABS OBD2 के साथ आपको ऑन रोड पड़ जाती है आज की डेट में 211,842 रुपये की रोल्टा बजाज बागुईहाटी BIP रोड कोलकाता शोरूम में। अगर मैं अपडेट की बात करूं तो 2024 के फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के पहले वाले महीने में आपको इसका अपडेट देखने को मिल सकता है, इसमें या फिर इसके हायर CC मॉडल में।